सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम दो क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमारे यूनिट टेस्ट में लिए गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन जीरो पर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 स्टेप्स पर सेकंड फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए कितनी वेलोसिटी है? 2 स्टेप्स पर सेकंड। फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड्स, अगले 3 सेकंड के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, यानी कि वो पोजिशन चेंज नहीं करता, तो वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, जीरो वेलोसिटी है। फॉर लास्ट 2 सेकंड्स, अब लास्ट के दो आखिर के सेकंड है, वहां पे वेलोसिटी होती है -2 स्टेप्स पर सेकंड। तो हमें बोला गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। बहुत ही ईजी है, अगर हम मैथ की कॉपी या ग्राफ पेपर यूज करें, हिंदी भी की कॉपी में भी बन जाएगा, बट यस थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं लगती हमसे और गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है, यहाँ पर देखिए ये वेलोसिटी डायग्राम पहले बना लेते हैं। उससे पहले हमें ये समझ आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन को एक बार लिख लेना चाहिए कि वेलोसिटी 2 स्टेप्स पर सेकंड के लिए कितनी रही? 1 सेकंड के लिए। 0 स्टेप पर सेकंड, यानी कि जीरो की वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कितने सेकंड के लिए हुआ वो? 3 सेकंड के लिए। और फिर -2 स्टेप्स पर सेकंड की वेलोसिटी थी लास्ट के 2 सेकंड के लिए। तो यही बनाना है, तो जो यहाँ लिखा है अब यही यहां ग्राफ पे उतारना है, सिंपल। तो पहले देखिए 1 सेकंड में क्या हुआ, पहले 2 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड थी या वेलोसिटी थी। तो यहां पर ये लाइन बन गई, 1 सेकंड के लिए ये लाइन बन गई। यहां से ऑब्जेक्ट दो गोले लगाते हैं और इसको इसको खाली छोड़ देते हैं। अब अगले क्या हुआ, 3 सेकंड के लिए, अगले 3 सेकंड यहां तक पहुंच गए, अगले 3 सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, यानी कि वो अब वेलोसिटी जीरो हो गई। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। देखिए यहां पर जीरो वेलोसिटी हो गई है 3 सेकंड के लिए, तो अगले 3 सेकंड के लिए ग्राफ कहाँ आएगा? हमें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो वेलोसिटी की चिंता करेंगे, 3 सेकंड के लिए वेलोसिटी रहेगी जीरो। तो ये लाइन हमारी, इसको गाढ़ा कर देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। अब व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 2 सेकंड्स, अगले 2 सेकंड में क्या हुआ? -2 हो गई। तो अगले 2 सेकंड, यानी कि 4 से 5 और 5 से 6 में -2 हो गई वेलोसिटी। तो ये वाली लाइन हमारी बन जाएगी। और इसको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए डॉटेड से हम मिला देते हैं, जिससे ग्राफ हमारा कंप्लीट दिखे। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। हम इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए जब 0 से 1 सेकंड टाइम हुआ, कितनी स्पीड है? 2, यही तो बताया था। जब 1 से 4, यानी कि अगले 3 सेकंड हुए, क्या हुए? 1 से 4 ही हुए। 1, 2, 3 सेकंड क्या? वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद अगले 2 सेकंड में 4 से 5 और 5 से 6 में क्या हुआ? वेलोसिटी -2 की हो गई। वेलोसिटी कितनी हो गई? -2 की हो गई। तो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है परफेक्ट है, डाटा से पूरा मैच कर रहा है। इसके बाद हमें बोला गया है, आधा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि इसका पोजिशन टाइम ग्राफ बनाइए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। ये एरिया निकालना था हमें। यहाँ तो एरिया बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक लाइन ही है, इसके अंदर कुछ एरिया है ही नहीं। और यहाँ पर भी कुछ एरिया है, ये एरिया कैलकुलेट हो गया, तो टॉप पे लिख देंगे। यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना हो जाएगा? 2। यहां पर तो 0 रहेगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व है ही नहीं। यहां पर कितना हो जाएगा? -2। ये देखिए, ये होगा -2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि -4। कैसे किया है? -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है। तो ये निकल गया हमारा -4। ये क्या है? जो भी वैल्यूज ये आ गई हैं, ये अब हमारी डिस्प्लेसमेंट्स हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल दें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। उसकी हेल्प से ही हम निकालते हैं अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अगला डायग्राम बनाने से पहले ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें अब ग्राफ नहीं देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जितना हेल्प ले सकते थे ले लिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए, स्टार्टिंग पोजीशन हमें क्वेश्चन में ही बताई गई थी, स्टार्टिंग पोजीशन बताई गई थी 0, 0 ये बता दिया गया था।
अब पहले सेकंड में क्या हुआ, देखिए अब ग्राफ छोड़िए, बस ये वैल्यू जो ऊपर लिखी है उन पर ध्यान दीजिए। टू स्टेप लेता है, वन सेकंड में क्या होता है, टू स्टेप पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर जीरो कितने सेकंड के लिए, वन टू थ्री, अगले 3 सेकंड्स के लिए जीरो स्टेप लेता है, कहीं मूव नहीं करता। अगले 2 सेकंड्स के लिए क्या करता है, -4, फिर क्या करता है 2 सेकंड्स में -4 स्टेप लेता है। अब हमें अगर क्वेश्चन दे दिया जाता और ये वैल्यूज बनाने को बोली जाती तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। अगर कोई स्टार्टिंग पोजीशन 0 हो फिर 2 स्टेप ले, फिर अगले 3 सेकंड में कुछ ना हो 0 स्टेप ले, और फिर 2 सेकंड में -4 स्टेप ले, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए। बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। स्टार्टिंग पोजीशन मार्क कर दीजिए 0, ये हमारे को क्वेश्चन में ही बताया था। आगे देखिए, 1 सेकंड में 2 स्टेप लेता है, 1 सेकंड में 2 स्टेप ले लेगा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला ऐसे मिल जाएगा पॉइंट, और हमें ये जो पॉइंट मिल रहा है हो जाएगा। अच्छा, 3 सेकंड आगे क्या होना है, अगले 3 सेकंडों में 0 स्टेप, यानी कि कुछ स्टेप नहीं लेगा, तो यही यहीं तक रहेगा 1 से 4 तक। अगले 3 सेकंड तक पोजीशन सेम रहेगी, कुछ भी नहीं मूव नहीं करेगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद अगले 2 सेकंड में -4 स्टेप लेने हैं, यानी कि 2 सेकंड कर लीजिए, 1 2 स्टेप्स कितने लेगा, 4। अच्छा, अगर 2 पर हो तो -4 स्टेप लेने हो तो कहाँ पहुंच जाएगा, 1 2 3 4। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है पीछे, यानी कि 2 स्टेप पर थे, पीछे जाइए 4 स्टेप, 1 2 3 4, तो -2 पे पहुंच जाएंगे आप। ये कब हो जाएगा, जब आपके 2 सेकंड ओवर हो चुके हों, 6 पे पहुंच गए हों, यानी कि आप यहाँ पर पहुंच गए। ये हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं, अब इन्हें हम लाइन से जोड़ लेते हैं। और ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 ट्रेन्स हैं जो एक डायरेक्शन में ही जा रही हैं, और उनकी वेलोसिटी दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है कि ए अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेती है, इंक्रीज करती है, 41 बना लेती है अपनी स्पीड। सी जो है वो कम करती है, डिक्रीज करती है वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी अब हो जाती है 39। तो हमसे पूछा जा रहा है एट दिस टाइम, वट इज़ द वी ए बी, वट इज़ द वी बी ए, वट इज़ वी ए सी, वट इज़ वी सी ए। तो अगर हमारा डायग्राम यहाँ पर बन जाए तो बहुत ईजी होगा इस क्वेश्चन को करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले जो भी क्वेश्चन है उसको एक डायग्राम के तौर पर बना लिया जाता है, यानी कि 3 ट्रेन्स हैं, ये देखिए, ये पहले 40, ये भी 40, और ये भी 40। पहले तो ऐसे हो रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। अब क्या हो गया है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये 41 हो जाती है। सपोज कीजिए ये है हमारी वी ए, क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाती है 41, ये 40 रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना, बताया गया है, तो इसका मतलब सेम ही रही होगी। और ये जो वेलोसिटी है ये हो गई है 39 की, ये क्या है वी सी, ये क्या है वी बी, ये है वी ए। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इजी पूछा गया है, माइनस करने को बोला गया है, यानी कि देखिए, व्हाट इज वी ए बी, पहला क्वेश्चन वी ए माइनस वी बी, वी ए बता दीजिए कितना है, 41 है, वी बी कितना है, 40 है, यानी कि 1 की स्पीड पॉजिटिव आ रही है 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी ए की एज सीन बाय बी। आप अगर 40 की स्पीड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, बी क्योंकि देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रही है, बी से जो बाद में आता है वहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तो अगर आप बी में बैठे हैं, क्योंकि ये 41 कर गई है स्पीड, तो इसको लगेगा इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर की है, 1 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रहा है, इसको लगेगा वी ए बी, क्योंकि इसको रिलेटिव स्पीड दिखेगी इसकी। अब वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, जिस तरह का फॉर्मूला यहाँ लिखा है वहीं पे, यहाँ पर माइनस ही तो लगाना था खोलते वक्त, वी बी माइनस वी ए करना था। अब देखिए, वी बी क्या है 40 है, वी ए क्या है 41 है, ये आ जाएगा -1 किलोमीटर पर आवर। माइनस का मतलब क्या है, पीछे जाता हुआ, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस तरफ से पीछे जाता हुआ दिखेगा, यानी कि
वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ए को कैसे दिखेगी, ये है वी बी ए। इसको ऐसा लगेगा कि ये एक की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है। इमेजिन करेंगे तो आराम से कर सकते हैं आप, ये जो विजुअलाइजेशन आराम से हो सकती है। अब आगे और क्या पूछा है, वी ए सी, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी सी। वी ए क्या है, 41 है, वी सी क्या है, 39 है। 41 माइनस 39 क्या होता है, 2 किलोमीटर पर आर। तो समझिए इसको क्या पूछा है, वेलोसिटी क्या होगी ए की एज सीन बाय सी, यानी कि सी 39 हो गया है, उसको लगेगा कि ये जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आर की, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाता हुआ दिखेगा। क्या वी सी ए निकालना ज़रूरी रह गया है, या सिर्फ डायरेक्टली ही आप बता सकते हैं कि -2 किलोमीटर पर आर होगा, क्योंकि जैसे इसको ये स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा, इसको क्या दिखेगा, उल्टा जाता हुआ -2 की स्पीड दिखेगी। अगर नहीं आपको समझ आया तो कैलकुलेट कर लीजिए, वी सी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वी सी होगा 39 माइनस वट इज वी ए, 41, ये हो जाएगा -2 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल क्वेश्चन में मैंने शायद कुछ और पूछा था, बट किसी तरह से अगर ये डायग्राम हमने बना लिया होता तो आप कोई भी कम्बिनेशन निकाल सकते हैं, फिर मैटर रह जाता है ये माइनस प्लस करने का और ये अंडरस्टैंड करने का कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और कहाँ से देखा जा रहा है, क्या रिलेटिव स्पीड महसूस हो रही है। ये जो वी बी ए है ये रिलेटिव स्पीड्स हैं, यानी कि दिखती हैं, एक्चुअल नहीं होती, दिखती हैं। वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी जो ए के द्वारा देखी गई रिलेटिव स्पीड। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह से। शायद ये मैंने कॉम्बिनेशन कुछ और बताए थे आपको क्वेश्चन में, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। थैंक यू।